अपनी मांगों को लेकर लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने शुरू की दो दिवसीय हड़ताल, तहसील कार्यालय रहे बंद। लिपिक वर्गीय कर्मचारी अपनी वेतन में लगातार हो रही असमानता की बात को लेकर भोपाल में आयोजित महापंचायत में शासन से निराकरण की मांग की थी, परंतु काफी समय बीत जाने के बाद भी निराकरण न होने से परेशान लिपिक वर्गीय कर्मचारी गुरुवार से दो दिवसीय सामूहिक अवकाश पर हैं और वेंकट भवन के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की हड़ताल में चले जाने से गुरुवार को तहसील कार्यालय बंद नजर आए, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई जो अपने कामों के लिए दूर दराज से आए हुए थे। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता के कारण उनके द्वारा बनाई गई समिति का जो 30 बिंदु का अनुशंसा पत्र सबमिट किया गया है शासन को, उस पर कोई भी कार्यवाही न होने के कारण उनको स्मरण करा के भूख हड़ताल के माध्यम से कार्यवाही करने के लिए अवगत कराया गया। लेकिन उसके पश्चात भी मुख्यमंत्री जी द्वारा लिखित आश्वासन देने पर 2 महीने के अंदर कार्यवाही के लिए लिखित आश्वासन दिया गया, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मजबूर होकर के प्रदेश के 6 सशक्त संगठन एक साथ, जिनमें हर जगह हमारे लिपिक वर्ग कर्मचारी सबकी श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं, ये एक संयुक्त रूप से 12 और 13 तारीख के सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया। और हमारे रीवा में तो जो भी कर्मचारी संगठन है, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हमारे पास बैठी है।